माय YouTube फैमिली, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइस, इस वक्त मैं खड़ी हूं मारुति सुजुकी अरेना के शोरूम में, जो कि पश्चिम बिहार दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहां पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूं मारुति सुजुकी ब्रेजा एलेक्साई अर्बन एडिशन का। इसके पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है उस पर रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ एंड देखेंगे क्या खास है अर्बन एडिशन में। सो गाइस, दिस इज मारुति सुजुकी ब्रेजा। इसको जून 2022 में लॉन्च किया था एक शानदार लुक के साथ। तब से ये गाड़ी धड़ल्ले से बिक रही है क्योंकि लोग इसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं, इंक्लूडिंग माइसेल्फ, क्योंकि इसकी माइलेज जो है काफी अच्छी कंपनी ऑफर करती है। बॉक्सी आउटलुक यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है और इसका जो आउटलुक है काफी स्पॉटी भी है। तो मुझे तो पर्सनली ये कार काफी ज्यादा पसंद है। तो आज जिस कार का मैं रिव्यू करूंगी वो है ब्रेजा का एलेक्साई अर्बेनो एडिशन। इसमें आपको 10 एडिशनल एक्सेसरीज किट देखने को मिल जाएंगे जो कि मैं वीडियो के दौरान आपको एक्सप्लेन करूंगी और लास्ट में मैं इसके प्राइस को भी आपको रिवील कर दूंगी। अगर मैं इसके कलर ऑप्शंस की बात करूं तो यहां पर आपको 7 कलर ऑप्शंस कंपनी प्रोवाइड कराती है। जिस कार का आज मैं रिव्यू कर रही हूं ये है इसका सिल्वर कलर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। सबसे पहले देखेंगे इसके फ्रंट प्रोफाइल को। सो दिस इज द फ्रंट लुक ऑफ ब्रेजा विच लुक्स रियली अट्रैक्टिव। देखेंगे इसके एलिमेंट्स को वन बाई वन। स्टार्ट करेंगे टॉप के साथ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैनुअल वाइपर्स देखने को मिल जाते हैं, तो मैनुअली आप इसको एडजस्ट कर सकते हो क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। आते हैं इसके ग्रिल की पैटर्न की तरफ। तो यहाँ पर आपको बहुत अट्रैक्टिव ग्रेइश टोन में ग्रिल प्रोवाइड कराती है कंपनी, काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। और उसके साथ यहाँ पर अभी आपको क्रोम गार्निश भी देखने को मिल रहेगी जो कि आपका एक्सेसरी का पार्ट है। तो कुछ इस तरह के डिजाइन एलिमेंट के साथ यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल जाती है, काफी मजेदार लग रही है। सेंटर में देखवाऊं तो यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो एस क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगा। देखते हैं इसके हेडलैम्प के सेटअप को। तो आते हैं उसकी तरफ। तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलैम्प कंपनी ऑफर करती है कुछ इस तरह के लुक के साथ। और उसके साथ यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी जो कि नॉर्मल बल्ब में ही कंपनी प्रोवाइड करा देती है। नीचे की तरफ दिखाऊं तो बेस वेरिएंट में आपको कोई भी फॉग लैम्प ऑफर नहीं होता है, आपको ये टॉप वेरिएंट जो कि ZX-i+ है उसमें ही देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि ये अर्बेनो एडिशन है तो यहाँ पर आपको एडिशनल एक्सेसरी के फॉर्म में फॉग लैम्प की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है और उसके साथ यहाँ पर आपको क्रोम में गार्निश भी प्रोवाइड कराई गई है। तो यहाँ पर आपको फॉग गार्निश देखने को मिल जाती है। ये है इसके नीचे की ग्रिल का पैटर्न, ब्लैक मैट कलर के साथ ही प्रोवाइड कराया गया, काफी स्मार्ट लग रहा है। और अगर मैं इसकी स्किट प्लेट की बात करूं तो कुछ इस तरह की लुक यहां पर आपको देखने को मिल जाती है, ये भी आपका एडिशनल एक्सेसरी का ही पार्ट है। तो ये थी इसकी ओवरऑल फ्रंट लुक, काफी मस्त लग रही है। अब देखेंगे इसके साइड प्रोफाइल को। ये है ब्रेजा की साइड लुक, काफी ज्यादा मस्त लग रही है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में मुझे आप जरूर बताइएगा कि आपको ब्रेजा पर्सनली कैसी लगती है। मैं दिखाती हूँ इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। स्टार्ट करेंगे इसके ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। तो यहाँ पर आपको 198 सीसी की ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ऑफर कर देती है। फ्रंट की बात करूं तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वहीं रियर टायर में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो देखते हैं इसके टायर्स को, क्लोज आते हैं इसके तरफ। तो यहाँ पर आपको कंपनी 16 इंच का टायर ऑफर करती है। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 215/60/8/16 और ये जो टायर्स हैं आपका MRF के द्वारा मैन्युफैक्चर करे गए हैं। अगर मैं यहाँ पर इसके रिम्स को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको स्टील रिम ही देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पर आपको व्हील कवर की प्लेसमेंट भी कंपनी प्रोवाइड करा रही है। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा। एक चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूंगी, अगर मैं VXI की बात करूँ तो उसमें आपको व्हील कवर ऑफर किए जाते हैं, LXI में आपको सिंपल स्टील रिम में ही टायर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। लेकिन इस LXI मॉडल में अभी स्टैंडर्ड किट भी कंपनी ने प्रोवाइड कराई हुई है तो आपको व्हील कवर की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। फर्दर यहाँ पर आपको व्हील आर्क किट भी देखने को मिल जाती है जो कि अगेन एक्सेसरी का ही पार्ट है। तो एक अच्छी लुक प्रोवाइड करा दे रही है कुछ इस तरह के डिजाइन एलिमेंट के साथ। फर्दर यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश के साथ साइड मोल्डिंग का वर्क भी देखने को मिल जाता है, अगेन ये भी आपका एक्सेसरी का ही पार्ट है। ये है इसकी ORVM की लुक। तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर ORVM ही कंपनी ऑफर करती है और उसके साथ यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह के डिजाइन एलिमेंट के साथ। अगर मैं टर्न इंडिकेटर की बात करूँ तो यहाँ पर ये आपको नॉर्मल बल्ब के साथ ही ऑफर किए जाते हैं। फंक्शनैलिटी की बात करेंगे अब तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो मिल जाते हैं लेकिन मैन्युअली फोल्डेबल देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरह की लुक यहाँ पर कंपनी आपको ऑफर कर देगी। फर्दर अगर मैं इसके डोर हैंडल्स को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स ही देखने को मिल जाते हैं, ए
बी एंड सी पिलर पे। यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश कंपनी प्रोवाइड कराती है और फर्दर यहाँ पर आपको विंडो पैनल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो जो सेकंड रो की सीट्स में पैसेंजर बैठेंगे उनको बैठ के काफी स्पेशियस फील कराएगा ये। सो दिस वॉज द साइड लुक ऑफ द कार। अब देख लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल को। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के रियर कंपनी ऑफर करती है, देखने में काफी स्मार्ट लगती है। चलिए अब इसके एलिमेंट्स को बताती हूँ वन बाय वन, स्टार्ट करते हैं नीचे के साथ। तो आते हैं इसके क्लोजर। सबसे पहले यहाँ पर आपको रियर स्किड प्लेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो कुछ इस तरह से इसकी प्लेसमेंट करी गई है, लेकिन ये आपका एक्सेसरी का पार्ट है एलएक्सआई में, अदरवाइज ये आपको ऑफर नहीं किया जाता है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। उसके साथ यहाँ पर आपको दो रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं विच इज गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव। उसके साथ यहाँ पर आपको कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है रियर में, जो कि अगेन आपका एक्सेसरी का ही पार्ट है। ऊपर की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर आपको दो लगेज लैंप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है फॉर द नंबर प्लेटिंग। बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर आपको ब्रेजा की बैजिंग देखने को मिल जाती है जो कि क्रोम फिनिश के साथ प्रोवाइड कराई गई है, और उसके ऊपर आपको सुजुकी एस का लोगो देखने को मिल जाता है जो कि अगेन क्रोम फिनिश के साथ ही प्रोवाइड कराया गया है। देखते हैं इसके टेल लैंप के सेटअप को, तो कुछ इस तरह के लुक यहाँ पर कंपनी आपको ऑफर कर देती है। अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको ये एलईडी में ऑफर किए जाते हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है नॉर्मल बल्ब के साथ, तो कुछ इस तरह के डिजाइन एलिमेंट के साथ यहाँ पर आपको टेल लैंप देखने को मिल जाएंगे। बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है जो कि आपको एलईडी में प्रोवाइड कराई गई है। उसके साथ यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटेना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है जो कि बॉडी कलर ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अलावा पीछे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। चलिए खोलेंगे अब इसके बूट को एंड चेक करेंगे इसके बूट स्पेस को। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक ओपनिंग का फंक्शन देखने को मिल जाता है, तो खोलते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको काफी अच्छी खासी स्पेस देखने को मिल जाती है। अगर मैं एग्जैक्ट इसके स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 328 लीटर्स। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ किसी ट्रिप पे निकलते हो तो अच्छा खासा लगेज आप यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड आऊं तो यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। देख लेते हैं इसके राइट हैंड साइड पे भी। यहाँ पर आपको एक लगेज हुक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, तो कुछ लगेज वगैरह आप यहाँ पर हैंग आउट कर सकते हो। फर्दर यहाँ पर अभी आपको टूल किट की प्लेसमेंट देखने को मिल रही होगी, और यहाँ पर अभी टच स्क्रीन का बॉक्स भी रखा हुआ है जो कि अगेन आपका एक्सेसरी का ही पार्ट है। तो खोलते हैं देखते हैं नीचे क्या है इसके। तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है जो कि आपको स्टिल रिम में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अगर मैं इसके स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है अगेन 215/60/R16। तो यहाँ पर आपको सेम ओरिजिनल साइज का ही टायर प्रोवाइड कराया जाता है विच इज़ गुड एक्चुअली। उसके साथ अगर मैं रियर सीट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर दो लोग ही कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो बेंच को आप फोल्ड करके इसके बूट की कैपेसिटी इन्हांस कर सकते हो। फर्दर यहाँ पर आपको बूट बंद करने के लिए ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, तो यूज करेंगे इसको एंड बंद करेंगे इसके बूट को। एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गई थी तो वो भी क्विकली बता देती हूँ, यहाँ पर आपको स्पॉइलर की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। आते हैं इसके लेफ्ट हैंड की तरफ, तो यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है जिसकी कैपेसिटी है 48 लीटर्स। गिवन वी हैव सीन द एक्सटीरियर, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द इंटीरियर। फर्दर यहाँ पर ऊपर आपको डोर वाइजर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है अलॉन्ग विद क्रोम गार्निश, ये भी आपका एक्सेसरी का ही पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके फ्रंट डोर के साथ। तो खोलेंगे इसके फ्रंट डोर को। सबसे पहले डोर हैंडल्स मैंने पहले ही दिखा दिए थे, बॉडी कलर प्रोवाइड कराए गए हैं। तो यहाँ पर आपको ऑल ब्लैक थीम ही देखने को मिल जाती है, कुछ इस तरह का पैटर्न कंपनी प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ इस तरह का डिजाइन एलिमेंट देखने को मिल जाएगा। अगर मैं टच की बात करूँ तो टोटल हार्ड टच ही यहाँ पर कंपनी ऑफर कर देती है। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल प्रोवाइड कराया गया है, उसके साथ यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। लॉक अनलॉक का फीचर कंपनी प्रोवाइड करा दे रही है। फर्दर यहाँ पर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि मैंने पहले दिखाया था। यहाँ पर ORBM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल प्रोवाइड कराया गया है, लेकिन ये फोल्डेबल नहीं है। यहाँ पर आपको डोर हैंडल्स की बात करूँ तो ब्लैक कलर के फिनिश के साथ ये प्रोवाइड कराए गए हैं।
नीचे की तरफ आपको मैप पॉकेट एंड बॉटल होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाती है। अगर मैं इस कार में स्पीकर सिस्टम की बात करूं तो एज एन एक्सेसरी, क्योंकि ये अर्बैनो एडिशन है, तो आपको 4 स्पीकर्स ऑन 4 डोर्स देखने को मिल जाएंगे। स्पीकर्स के साथ यहाँ पर आपको कोई ट्विटर की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको आप कंपनी की तरफ से परचेज कर सकते हो या फिर आप इसको आफ्टर मार्केट ही फिट करा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एडिशनल कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। ये है कुछ इसकी डैशबोर्ड की लुक। इसके पहले कि मैं इसके बारे डिस्कस करूं, आपको एक दो चीजें और दिखा देती हूं। तो यहां पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच देखने को मिल जाता है, उसके साथ फॉग लैम्प के लिए ऑप्शन दिया गया है और उसके साथ हेडलाइट लेवलर भी देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ दिखाऊं तो यहां पर आपको, क्योंकि ये मैनुअल वेरिएंट है, तो 3 पैडल्स के ऑप्शन दिए गए अलोंग विद डेड पैडल। फर्दर यहां पर आपको फ्यूल टैंक लीवर भी प्रोवाइड करा दिया गया है और इसके थ्रू आप अपने बोनट को ओपन कर पाओगे। ये है इसकी फ्रंट सीट की लुक। तो यहाँ पर आपको रिक्लाइनिंग फंक्शन देखने को मिल जाता है। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं दिया गया है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है और उसके साथ यहाँ पर आपको स्लाइडेबल फंक्शन भी देखने को मिल जाएगा। फर्दर एक चीज यहाँ पर आपने नोटिस करी होगी कि अभी जो है यहाँ पर सीट कवर्स लगे हुए हैं, ये आपका स्टैंडर्ड किट का पार्ट है, तो अगर आप चाहो तो एडिशनल कॉस्ट बियर करके आप इसको भी परचेज कर सकते हो फ्रॉम दी कंपनी। लेकिन अगर मैं ओरिजिनली बेस मॉडल की बात करूँ तो उसमें आपको सीट कवर्स कंपनी नहीं प्रोवाइड कराती है। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके इंटीरियर के बारे में। तो फ्रंट सीट्स में यहाँ पर आपको दोनों सीट्स में एडजस्टेबल हेडरेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आते हैं इसके डैशबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की लुक कंपनी ऑफर करती है, ऑल ब्लैक थीम ही देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको टोटल हार्ड टच ही देखने को मिलता है, यहाँ पर थोड़ी सी टेक्सचर फिनिशिंग कंपनी प्रोवाइड करा देती है। इधर की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट कर दी गई है। नीचे की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको ग्लोव बॉक्स की प्लेसमेंट करी गई है, तो खोल के दिखाऊंगी मैं इसको। तो यहाँ पर आपको काफी अच्छी खासी स्पेस देखने को मिल जाती है। एक तो ब्लैक इंटीरियर है, ऊपर से यहाँ डार्कनेस है, तो आपको हो सकता है वीडियो में इतना विजिबल नहीं हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर आपको कंपनी अच्छी खासी स्पेस ऑफर कर देती है। आई थिंक अब आप देख पा रहे होंगे इसको। तो चलिए बंद कर देंगे इसको, आते हैं इसकी सेंटर की तरफ। तो यहाँ पर अभी आपको टच स्क्रीन जो है फिटेड दिख रहा है, जो कि 6.98 इंचेस का है। ये आपका एक्सेसरी का पार्ट है एज एन अर्बैनो एडिशन। चलिए इसको ऑपरेट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की लुक के साथ टच स्क्रीन की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, पियोनियर के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। टच स्क्रीन के नीचे यहाँ पर आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, उसके साथ सेंटर में हजार्ड का बटन प्रोवाइड कराया जाता है। नीचे की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको मैनुअल एसी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उसके टॉगल स्विचेस दिए गए हैं जिसको यूज करके आप ऑपरेट कर सकते हो। नीचे की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी प्रोवाइड कराया जाता है, उसके साथ यहाँ पर आपको नीचे थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाती है जिसको यूज करके आप अपने मोबाइल को यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो जब आप उसको चार्जिंग पे लगाते हो। उसके साथ यहाँ पर आपको मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन ही देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड कराती है इस वेरिएंट में। उसके साथ यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाती है, हैंड ब्रेक का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है, टिप में आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। नीचे यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है, उसके साथ पीछे भी आपको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाती है। स्टार्ट करेंगे इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड आरपीएम मीटर प्रोवाइड कराती है कंपनी, राइट हैंड साइड आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और सेंटर में आपको सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन रिवील हो जाती है इंक्लूडिंग दी टाइम। फर्दर यहाँ पर आपको लो फ्यूल इंडिकेटर, बैटरी इंडिकेटर, अदर ऑप्शंस भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है। अगर मैं इसके स्टीयरिंग व्हील को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको फ्लैट बॉटम शेप कंपनी प्रोवाइड कराती है। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, सेंटर में सुजुकी का लोगो प्रोवाइड कराया गया क्रोम फिनिश के साथ, उसके साथ यहाँ पर आपको क्रोम रिंग भी देखने को मिल जाती है। लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड प्लेन है पूरा, कोई भी टॉगल स्विच देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ यहाँ पर आपको वाइपर के लिए ऑप्शन दिया गया है एंड राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको हेडलैम्प के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके स्टीयरिंग व्हील की फंक्शनैलिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको टिल्ट फंक्शन कंपनी प्रोवाइड कराती है, लेकिन टेलीस्कोपिक यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। चलिए अब इसके की को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मैनुअल की ही प्रोवाइड कराई जाती है, यही थोड़ा सा मुझे यहाँ पर मारुति का डिमेरिट लगता है। मतलब ब्रेजा इतनी अच्छी गाड़ी है तो यहाँ पर अगर मारुति स्मार्ट की प्रोवाइड करा देती तो मजे ही आ जाते। तो यहाँ पर आपको वही पुरानी वाली मैनुअल की देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह के लुक के साथ। यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो एस साइन देखने को मिलेगा क्रोम फिनिश के साथ और इसके बैक साइड आपको लॉक अनलॉक का फीचर देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको एक सनवाइजर के ऑप्शन देखने को मिल जाता है।
उसके साथ यहाँ पर आपको टिकट होल्डर की स्पेस भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई वैनिटी मिरर की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी। सेंटर में आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको मैन्युअली एडजस्टेबल डे नाइट IRVM का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और उसके साथ यहाँ पर कोई लैंप वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। लेफ्ट हैंड साइड आके दिखाऊं तो यहाँ पर भी आपको सनवाइजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर भी देखने को नहीं मिलेगा। सेफ्टी पर्सपेक्टिव से अगर मैं ब्रेजा की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कंपनी डुअल एयरबैग्स प्रोवाइड करा देती है। चलिए अब चेक करेंगे इसके रियर केबिन को, तो खोलेंगे इसके रियर डोर को, दिखाते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको आगे वाला सेम पैटर्न ही देखने को मिल जाता है, कुछ डिफरेंस के साथ, जो कि आप यहाँ पर विटनेस कर पा रहे होंगे। क्विकली मैं आपको बता भी देती हूँ, हार्ड टच वगैरह तो वही रहेगा, ब्लैक थीम ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी आपको ग्रैब हैंडल प्रोवाइड कराया गया है, और यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नीचे छोटी सी यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाती है, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ करी गई है, जो कि अगेन एक्सेसरी का ही पार्ट है। तो ये है इसके रियर सीट्स की लुक, तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पीछे रियर सीट्स में आपको हेडरेस्ट का ऑप्शन कंपनी नहीं प्रोवाइड कराती है, लेकिन यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि अभी सीट कवर के पीछे हिडन है। उसके साथ यहाँ पर आपको सीट बेल्ट का ऑप्शन भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है अलॉन्ग विद कोट हैंगर। फ्रंट की बात करूँ तो को ड्राइवर साइड भी आपको ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट प्रोवाइड कराती है कंपनी। ड्राइवर साइड आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, और उसके साथ राइट हैंड साइड भी आपको एक ग्रैब हैंडल के साथ कोट हैंगर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सेंटर की तरफ आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको एक लैंप प्रोवाइड कराई गई है, जो कि आपको नॉर्मल बल्ब में ही देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ आऊं तो रियर में भी आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, और इस लीवर के थ्रू आप इसको ऑपरेट कर पाओगे। यहाँ पर अभी बैक सीट पॉकेट अभी देखने को मिल रही है आपको, क्योंकि अभी सीट कवर लगे हुए हैं, तो इसको खोल के आप यहाँ पर कुछ सामान प्लेस आउट कर सकते हो। लेकिन ओरिजिनली अगर मैं LXi वेरिएंट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बैक सीट पॉकेट का ऑप्शन कंपनी नहीं प्रोवाइड कराती है। उसके साथ अब देख लेंगे इसके लेग रूम या फिर लेग स्पेस को। तो यहाँ पर जो सीट है मैंने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करी हुई है, तो आपको इतना बफर देखने को मिल रहेगा, लेकिन अच्छा बफर यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड कराती है। रेस्ट कार को परचेज करते वक्त आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इसको इवेलुएट कर सकते हो। अगर मैं इसके अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो ये भी एक कम्फर्ट ड्राइव कर रही है बैठ कर। तो ये है इसकी डैशबोर्ड की कम्प्लीट लुक, विच इज लुकिंग रियली स्मार्ट। चलिए अब बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी ब्रेजा की सेफ्टी की। तो अगर मैं इसके ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करूं तो इसने 4 out of 5 की रेटिंग स्कोर करी है। इसके अलावा इसमें आपको ABS विद EBD, ESP, इंजन इमोबिलाइजर, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो यहाँ पर आपको 1462 cc का 4 सिलेंडर K-सीरीज का 1.5 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ऑफर करा जा रहा है, जो कि 77 किलोवाट की पावर एंड 138 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है, और अगर इसकी मैं माइलेज की बात करूँ तो अराई माइलेज है 17 किलोमीटर पर लीटर। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो अगर मैं ब्रेजा LXi मॉडल की बात करूँ तो इसका जो एक्सशोरूम प्राइस है वो है 8,34,000 रुपए। यहाँ पर अभी अर्बनो एडिशन का मैंने रिव्यू करा है, तो आपको एडिशनल 10 एक्सेसरीज कंपनी प्रोवाइड करा रही है, जिसके लिए आपको एडिशनल 15,000 रुपीज बियर करने पड़ेंगे। तो इस पे अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप इसका बेनिफिट डेफिनेटली उठा सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।